दोनों हाथों को हम, दोनों पाओ को हम 3 से 3.5 फीट जमीन पर ही खोलते हैं। यस, थोड़ा सा और खोलो पाओ को, और खोलो, और यस। एक आइडियल डिस्टेंस 3 से 3.5 फीट का होता है दोनों पाओ के बीच में, या ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको पाओ को खोलना है। अब उसके पश्चात अपने दोनों हाथों को भी आप पैरेलल टू आपके हाथ, पैरेलल टू द ग्राउंड, अपने पाओ की सीध में ऊपर की तरफ उठाएंगे और आपके दोनों हाथ एक लाइन में सीध में होने चाहिए। देखिए किस तरह से आपके दोनों हाथ एक लाइन में हैं, अगर नहीं है तो आपको करना है उनको। और उसके बाद में आप धीरे से अपने राइट टो को बाहर निकालेंगे। इस आसन को आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। और बहुत ही धीरे से अपने राइट हैंड को राइट लेग की तरफ नीचे की तरफ झुकाएंगे हम, बहुत ही धीरे धीरे। देखिए कमर वाला ये जो पार्ट है नीचे दबना या स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है। और नीचे जमीन पर अपने राइट हथेली को रख लेंगे और ऊपर वाले हाथ को हम देखेंगे। इसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके जो ऊपर और नीचे वाले हाथ हैं एक लाइन में रहेंगे, आगे पीछे नहीं करना है इनको। और ये फील कर सकते हैं जब नीचे की तरफ जाएंगे बैंड करेंगे तो अपोजिट वाला जो कमर वाला पार्ट है वो खींचेगा और नीचे वाला पार्ट दबेगा अंदर। प्लस आपकी हैमस्ट्रिंग मसल के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, इसे कहते हैं हम त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। कुछ समय तक आप इस आसन को रोकेंगे, सांस सामान्यतः चलता रहेगा आपका। ऊपर वाले हाथ को हम देखेंगे, आपकी दृष्टि ऊपर वाले हाथ पर रहेगी। क्षमता अनुसार रोकने के बाद में धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे सांस को लेते हुए और वापस सामने की तरफ देखेंगे और अपने हाथों को हम नीचे की तरफ ले आएंगे। तो ये था हमारा त्रिकोण आसन। दोस्त, उनके समाज, उनकी सारी सोसाइटी खुश रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। हम भी आपसे यही चाहते हैं। तो योग के लिए आज से आप तय कर लीजिए, योग करेंगे।